दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अकबर और बीरबल की तीन नई रोचक कहानियां। शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंह मांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने दो बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वो ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया, लेकिन किसी को भी ये उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल ये मामला उठाएं। बीरबल भी इस सौदे से खुश नहीं थे। वो बोले, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोलते हैं, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फेहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे तो। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर ने अपना सीधा हाथ उठाया। तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत ना हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कह सके। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वो कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गए कि बादशाह क्या चाहते हैं। वो बोले, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अता पता भी कोई नहीं जानता। वो आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वो व्यापारी वापस ही ना लौटे, वो अन्य किसी देश में जाकर बस जाए और आपको ढूंढे भी नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने से पहले उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस महाराज। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोले, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर में प्रशंसा की गई। आज की दूसरी कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में जोरों का कोलाहल सुनाई दिया। सभी लोग बीरबल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बीरबल बदमाश है, पापी है, इसे दंड दो, इसे दंड दो। बादशाह ने भारी जनमत को बीरबल के खिलाफ देख
आज्ञा दे दी कि बीरबल को सूली पर चढ़ा दिया जाए। दिन तय हुआ। बीरबल ने अपनी अंतिम बात कहने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर उन्होंने कहा, मैंने सारी चीजें तो आपको बता दी, पर मोती बोने की कला नहीं सिखा पाया। अकबर बोले, सच? क्या तुम जानते हो? तो ठीक है, जब तक मैं ये नहीं सीख लूंगा, मैं तुम्हें जीने का अवसर देता हूं। बीरबल ने कुछ विशेष महलों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें ढहा दिया जाए, क्योंकि इसी जमीन में उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं। महलों को ढहा दिया गया। ये महल बीरबल की झूठी शिकायत करने वाले दरबारियों के थे। वहां बीरबल ने जौ बो दिए। कुछ दिन बाद बीरबल ने सभी से कहा, कल सुबह ये पौधे मोती पैदा करेंगे। अगले दिन सभी आए। ओस की बूंदें जौ के पौधों पर मोती की तरह चमक रही थी। बीरबल ने कहा, अब आप लोगों में से जो भी निरपराधी दूध का धुला हो, इन मोतियों को काट ले। लेकिन यदि किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर जाएंगे। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अकबर समझ गए कि गलतियां तो सभी से होती हैं। बादशाह ने बीरबल को मुक्त कर दिया। इस कहानी का सार यह है कि किसी को दंडित करने से पूर्व उसके दोष या निर्दोष होने के बारे में भली भांति जांच जरूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आज की तीसरी और अंतिम कहानी। सालों पहले की बात है, जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक नकली शेर ले गया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है, और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी होगी। ये सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके? लेकिन हर कोई सोच में डूब गया कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता है। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया। लेकिन अफसोस, बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को सुलझाया कैसे जाए। दूसरे दिन दरबार फिर लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है? इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम हो गई। तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूं। अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर कोई दूसरा न था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें दो सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिये की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा।
जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लगा, क्योंकि वो मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की इस अकलमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि ये पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी बतलाया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहली लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में अपने राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, क्योंकि अक्लमंदी से सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, ये तो थी अकबर और बीरबल की तीन बहुत ही रोचक और नई कहानियां। आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।